गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला इस पर। और चलिए, जैसे कि आपको पता होगा, नीट यूजी का एडमिशन शुरू हो चुका है। सभी मेडिकल कोर्सेस के एडमिशन का कल रात को 12 बजे से ही उन्होंने पोर्टल खोल दिया है। मैं इस पोर्टल का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाइए और आप लॉगिन करके वहाँ पर एप्लीकेशन भर सकते हैं। सिंपल स्टेजेस में है एप्लीकेशन, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो चलिए हम देखेंगे कि उनका एप्लीकेशन फ़्लो कैसा है, क्या क्या स्टेप्स हमें करनी होगी, और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी दिया है, जाइएगा वहाँ पे पढ़िएगा वो पूरा, और उसके बाद जाइए आप ये एप्लीकेशन भरने के लिए। तो थोड़ा हम देखेंगे कि प्रोसेस फ़्लो कैसा है। तो चलिए, प्रोसेस फ़्लो ऐसा है, आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपके लॉगिन जो मोबाइल नंबर ही आपका लॉगिन आईडी होगा और पासवर्ड, ये दोनों यूज़ करके आपको लॉगिन होना होगा। आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फ़िल करना होगा। एप्लीकेशन फ़िल होने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट जैसे आपका सक्सेसफुली हो जाता है, आपको डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 300 KB के अंदर बनाकर अपलोड करने हैं। और बाद में सब होने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन की प्रिंट निकालनी है, और आपको जो भी अलॉट होगा सेंटर, वहाँ जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, सिस्टम में एंट्री करना है सक्सेसफुली, और उसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। उसके बाद आपको भरने हैं ऑप्शन फॉर्म, प्रेफरेंस फॉर्म, और फिर आपका हो जाएगा डिस्प्ले, हो जाएगा अलॉटमेंट लिस्ट, और उसके बाद आपको जाना है एडमिशन के लिए। तो जनरली ये एक प्रोसेस फ्लो है, इस सारी स्टेजेस आपको पार करनी है। तो चलिए हम जाएंगे पहला स्टेज, जो कि हमें एप्लीकेशन करना है। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में भी जानेंगे कि सिंपल स्टेजेस में है, आपको एप्लीकेशन भरना है, वेरीफाई करना है एंट्री सभी करेक्ट है या नहीं है, उसके बाद पेमेंट करना है। पेमेंट जैसे ही हो जाता है, डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं, प्रिंट निकालनी है और जाना है लेके, सब इतना सिंपल है। और उन्होंने ये जो पूरी आपने इंस्ट्रक्शन दिए, आप जाइएगा पूरे पढ़िएगा, मैंने पूरे रेफर नहीं किए। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन आगे देते जाएंगे। ये आपने पूरी पढ़ ली तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी पूरा एप्लीकेशन भरने में। तो चलिए, पहला स्टेज है, ये आपका इंटरफेस है, ऐसा आपका वेबसाइट होगा। जैसे आप फॉर्म भरने के लिए आओगे, सिंपल सा है, आपको ऊपर उन्होंने दिया है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, आप वहाँ क्लिक कर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो स्टेज हम बाद में देखेंगे। अपने राइट हैंड साइड में दिख रहा है आपको न्यू अपडेट्स, वहाँ पे अवेलेबल होंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, और जो भी जैसी जैसी वहाँ पे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड करते रहेंगे, आप वहाँ पे देखेंगे। और जो इंस्ट्रक्शंस है, जो हमने देखे कि आपको फॉर्म फिलिंग के बारे में, तो वो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, और मेनू भी उनका लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे लिए, उन्होंने दिया। तो एक एक ऑप्शन हम देखेंगे, एकदम सिंपल सा एप्लीकेशन है, कुछ उसमें ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए देखते हैं, एकदम सिंपल सा है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मोबाइल नंबर अपना डालिए, ईमेल आईडी डालिए, वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिए, और उनके अनुसार हमें ये पूरा एडमिशन प्रोसीजर ख़त्म होने तक ये हमें हमारे पास रखना है एक्टिवली। तो वो नंबर आप डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, सिंपल सा है। अपना पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, जो आपके कम से कम 8 कैरेक्टर्स आपके होने चाहिए, क्रिएट कर दीजिएगा, सिंपल सा है। जैसे ही आप क्रिएट कर देंगे, आपको मैसेज वो पॉपअप में दिखाएगा कि ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, और आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा, जो आपका यूज़र आईडी होगा, जो आपको यूज़ कर आपको लॉगिन होना है। तो हम जाएंगे फिर से लॉगिन विंडो पे, अगर गए आप और वहाँ से लॉगिन किया, यहाँ से फिर से हम लॉगिन करेंगे। जैसे हम लॉगिन हो जाएंगे, आपके लिए ये वेलकम स्क्रीन होगा, ये पूरा मेनू है उनका। हमें प्रोफाइल, जो माय प्रोफाइल में होगा, हमें एक एक देखेंगे बाद में। तो माय प्रोफाइल में आपका प्रोफाइल दिखाएगा, जितना भी फॉर्म भरेंगे तुम, तो उसकी पूरी एंट्रीज वहाँ पे दिखाई देगी। पेमेंट में पेमेंट का डिटेल्स होगा, एप्लीकेशन का प्रिंट उन्होंने ऊपर लिया, एक्चुअली वो नीचे होना चाहिए, पहले डॉक्यूमेंट अपलोड होने चाहिए। वहाँ पे स्टूडेंट्स का थोड़ा ये हो सकता है कि पहले वो प्रिंट निकाले बाद में अपलोड करें, तो पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें बाद में प्रिंट का ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हम बाद में प्रिंट भी निकाल सकते। तो एक एक हम देखेंगे, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, मैं जहाँ तक की पूरी स्क्रीन आपको दिखा सकता हूँ, वो मैं वो स्टेजेस में किया है मैंने, वो एप्लीकेशन फॉर्म का ही स्टेज में पार कर सका हूँ। बाकी का सिर्फ हम बताएंगे
उसमें अगर कुछ दिक्कत आती है तो हम एक दूसरे को शेयर करेंगे, और जितनी दिक्कतें कम हो, जितनी हेल्प हो सके एक दूसरे की, हम करते जाएंगे। और ये जो एडमिशन सिस्टम है वो आपको बिना दिक्कत पार हो जाएगा। तो चलिए, ये है वेलकम स्क्रीन, वहाँ पे आपका जैसे आपका कैप एप्लीकेशन नंबर आपको क्रिएट होगा वो आपको दिखाई देगा। आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, देख बाद में वो अपडेट करेंगे, अभी उनका अपडेशन चल रहा है। मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी वो दिखाता है, और पेमेंट स्टेटस आपको नीचे वो इस स्क्रीन में आपको दिखाता है। तो चलिए आगे जाएंगे, ये है उनका प्रोफाइल, यहाँ प्रोफाइल पर वो सब दिखाएगा। जैसे जैसे अभी इन्फॉर्मेशन भरी नहीं है, जब भी आप जाओगे लॉग इन करोगे, पहले प्रोफाइल पे जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें अभी भरनी है। जैसे हम एप्लीकेशन में इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगी। तो इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे हमें करना नहीं है, ये रीड ओनली है, यहाँ पे सिर्फ हमें डेटा दिखाई देगा हमारे वेरिफिकेशन के लिए। जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है वो है आपका फॉर्म भरना। जैसे आप फॉर्म पे जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो यहाँ पे हमें आपको एक ध्यान रखना है कि नीट की जो एग्ज़ाम हुई थी, नीट का जो वहाँ पे जैसा नाम था आपका स्कोर कार्ड रिपोर्ट, वैसा ही नाम यहाँ डालना है। अगर दूसरा, शायद वो वैलिडेशन उन्होंने लगाया है, क्योंकि मैंने ट्राई किया था दूसरा नाम डालकर, और एक डमी ये करने की, क्रिएट करने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, तो शायद वो वहाँ पे वैलिडेशन लगाया है आपका नाम। ऐसे ही मैच होने तक वो आपको एरर देता रहेगा। जब नीचे जाइए, मिडिल नेम डालिए, मदर्स नेम डालिए, आपका एड्रेस वहाँ पे एंटर कीजिएगा। बाकी की जो फील्ड है वो इतनी डिस्कस करने लायक नहीं, वो आपको पता होगी, वो आप फ्लो में भरते जाओगे। नीचे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो दिखाएगा ऑलरेडी जो भरा हुआ है, और वो जो मैंने कहा था कि वो हमें हमें आखिर तक वो करना है, तो वो वहाँ पे अंडरटेक ले रहे कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो आप एडमिशन होने तक एक्टिव रखेंगे। तो चलिए आगे हम जाएंगे। आधार शायद मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप देखिए आधार का एरर देता है कि, एरर नहीं दिया था आधार का उसने। आप डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर, नेशनलिटी, और ये सभी भरने के बाद अगर आप कोई OCIPIO कैंडिडेचर में आते हो आपका टाइप, तो आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जाइएगा NRI के स्टेटस की तरफ, वो होने के बाद हम जाएंगे डोमेसाइल की तरफ। डोमेसाइल अगर है तो हम वहाँ पे एस बोल देंगे, रिलीजन और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो इजी है, हम सभी उसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत का सामना वहाँ पे हमें करना नहीं पड़ेगा, इजीली है, हम एकदम इजी से वो स्टेप्स पार कर सकते हैं। जैसे आगे जाएंगे तो आपको फिर वो देगा नीट की रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, वो पूछेगा आपका उन रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, और आपके जो परसेंटाइल आए हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज डालने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डालने हैं, पूरे टोटल डालने हैं, PCB का टोटल आउट ऑफ 7 to 20 से वो डालना है। और यहाँ उन्होंने एक बार बार वो बात दोहराई है, उन्होंने उनको उन्होंने जो आज नोटिस इशू किया था उसमें भी उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे गलती से भी दूसरा रैंक ना डालें, आप यहाँ आपका ऑल इंडिया रैंक ही डालना है आपको। तो एक प्लीज़ एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ पे नीट की ऑल इंडिया रैंक ही डालनी है। तो बाकी कुछ इसमें ज़्यादा ये नहीं है, दिक्कत वाला काम नहीं है। 10th का इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा, आपका आउटसाइड अगर महाराष्ट्र आप हो तो वहाँ पे सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट जो लिस्ट दिया है उसे सबसे नीचे में आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप आपका डिस्ट्रिक्ट चुनोगे आपका रीजन अपने आप वहाँ आ जाएगा, हमें चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल सा फॉर्म है, हम जाएंगे आगे। तो जैसे आगे जाएंगे अगला स्टेप्स वो फिर हमें 12th के बारे में पूछेगा, वहाँ पे भी अप्रोप्रिएट आप फील्ड आप चुन लीजिएगा। सिंपल सा है, आपको मार्क्स एंट्री करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश के, आगे जितने हम आप हमें मार्क्स आए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आ गए 98, तो 98 डालेंगे आउट ऑफ कितने 100, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे जो दिए फीस PCM PCB और जो भी टोटल्स वो अपने आप कैलकुलेट करेगा, हमें वहाँ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश के मार्क्स डालने हैं, बाकी के वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। 22nd वाला जो है रिजर्वेशन, वो हमें क्रूशियल पार्ट है, वहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है हमारी कैटेगरी, और उसके बारे में भी देखेंगे हम नीचे के स्क्रीन में भी सेपरेट मैंने लिया है उसको। तो चलिए वहाँ पे जाते हैं डायरेक्टली। तो चलिए से 22nd में अगर हमने कैटेगरी का उन्होंने पूछा है, अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हो तो वो पूछता है कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है या नहीं, आपका सिर्फ स्टेटस वहाँ पे डालना है। इंजीनियरिंग वालों को आपने वैलिडिटी के लिए अगर अप्लाई किया है तो उसका वो एप्लीकेशन का जनरली नंबर मांगता है कि आपने जो एप्लीकेशन किया है वैलिडिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे आपके लिए उन्होंने वैलिडिटी का सिर्फ स्टेटस पूछा है, आपके पास है नहीं है या फिर आपने अप्लाई किया,
लेकिन नीचे जो उन्होंने मांगा है कि कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मांगा है, जो भी आपके पास अभी अवेलेबल होगा, होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मांगा है। लेकिन ये थोड़ा लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके पास वैलिडिटी कास्ट सर्टिफिकेट तो होगा ही, उसके सिवाय कास्ट चुन नहीं सकते आप, फिर भी उन्होंने पूछा है यहाँ पे कि कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डाल दीजिए, अगर जो है आपके पास, अगर है कास्ट सर्टिफिकेट तो उसका नंबर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आपने अप्लाई किया है उसे, कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी की बात नहीं हो रही, कास्ट सर्टिफिकेट अगर वो आपके पास नहीं है और आपने निकालने के लिए दिया है, एप्लीकेशन किया है, तो उसका रिसिप्ट का नंबर यहाँ पे डालना है। और कास्ट सर्टिफिकेट का जहाँ से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जहाँ भी आपने वो अप्लाई किया है, उस डिस्ट्रिक्ट चुनना है आपको। नॉन क्रिमिलियर का स्टेटस आपको चुनना है और आगे जाएंगे, फिर आगे का स्टेप्स होगा। ये भी थोड़ा सा ये है, आपको कोई आपको अगर एग्जामिशन लेना चाहते हो, मतलब जो कि टाइप सी, जनरली जो इंजीनियरिंग और बाकी के फील्ड में टाइप ए बी सी डी स्टूडेंट बोलते हैं, वैसे यहाँ पे अनेक्चर सी उन स्टूडेंट को लगता है जो कि आते हैं टाइप सी में, जिनके पेरेंट्स वर्किंग है यहाँ पे महाराष्ट्र में आए हैं बाहर आउट ऑफ स्टेट से, तो उनके लिए एनेक्चर ई जो महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे उनका जो है रिलेटेड, उनके रिलेटेड है, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए एनेक्चर ई है। और 4.7 एंड 4.8 इसके लिए आप आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया है उसका पेज नंबर 8 और 9 आप रेफर कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये भी उसी के रिलेटेड ही है, टाइप सी के जैसा ही है, आपके एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग है, उससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिएगा उसके रिगार्डिंग, 4.7 एंड 4.8 के रिगार्डिंग। और चलिए बाकी का तो सिंपल्स है, क्वेश्चन देते जाइएगा। आपके जो रिक्वायर्ड ये है कैंडिडेचर टाइप है, अगर आप डिफेंस में आती है तो D1, D2, D3 से चुनिएगा। आप अगर MKB बॉर्डर्स में आते हैं तो वहाँ पे चुनिएगा, हिल एरिया से आते तो वहाँ पे आप चुन सकते हैं। और ये सिंपल सा फॉर्म है इतना सा। और सबसे लास्ट में जो इस साल से नया आरक्षण नया दिया है ऑर्फन को, तो वो भी आप वहाँ चुन सकते हो कि अनाथों को, अनाथ बच्चों को जो 1% आरक्षण इस साल से दिया है, तो वो भी स्टेटस आप वहाँ चुन सकते हो। जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपके लिए एक अंडरटेकिंग जैसा है कि आपको सभी अंडरटेकिंग को, जो भी उन्होंने 5 जो डिक्लेरेशन है उसको हमें एक सहमति दर्शनी है, क्लिक करना है, उसमें टिक करनी है और हमें ये सेव एप्लीकेशन फॉर्म करना है। जैसे ही सेव कर ले जाओगे पूरा वैलिडेशन करेगा, जनरली वो वैलिडेशन करता है आपके नीट का डेटा कि आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, मार्क्स भरे हुए आपने और अपने ऊपर डाला हुआ नाम, ये तो चेक करता है और उसके बाद आपका फॉर्म हो जाएगा सेव। अभी इसके आगे मैं जा नहीं सका क्योंकि मेरे पास नीट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो मैं आपको स्क्रीन वाइज नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन जनरली थोड़ा सा आइडिया हमें हो जाएगा। जैसे वो उस स्टेप हो जाएगा, हम जाएंगे पेमेंट के लिए, तो इस स्क्रीन से आप पेमेंट कर सकोगे। पेमेंट के वक्त भी आपको कुछ लगता है तो आप एप्लीकेशन यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। पेमेंट का जनरली स्क्रीन है, जनरली आपको गेटवे की तरफ लेके जाएगा, अमाउंट दिखाएगा। इसके बारे में कमेंट्स में हम बात करेंगे अगर इससे रिलेटेड कुछ हमें क्वेश्चन है तो। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कितना पेमेंट करना होगा हमें, तो वो भी हम कमेंट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जाएंगे नीचे, तो जैसे पेमेंट सक्सेसफुली आपका हो जाएगा आपको फिर जाना है, आपको जाना है डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए पेमेंट के बाद। जैसे आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको बनाए होंगे तो यहाँ पे आपको अवेलेबल करके देगा डॉक्यूमेंट की, जैसे पेमेंट का स्टेटस अपलोड हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट का लिस्ट वहाँ पे आएगा और आपको एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे जैसे कि उन्होंने आज सर्कुलर में बताया था कि आपकी डॉक्यूमेंट की साइज़ 300 KB के अंदर होनी चाहिए और आपको PDF फॉर्मेट में ही सिर्फ उसे अपलोड करना है। तो ये सब होने के बाद आप फिर जा सकते हो प्रिंट के लिए, और जैसे ही एप्लीकेशन प्रिंट होगा आप उस प्रिंट को लेकर फिर जा सकते हैं। तो इतने सिंपल स्टेजेस में है एप्लीकेशन, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, सार का कुछ झमेला नहीं है, नो सार नो सेतु, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सेतु में आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जाना नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जो भी आपको अलोकेशन होगा जहाँ पे जाना है, पिछले जनरली ट्रेडिशनल के अनुसार जब पिछले साल जैसे था आपका कोई सेंटर होगा तो वहाँ जाकर आपको ये करना है, सेतु जाने की ज़रूरत नहीं, या फिर सार पे जाकर आपको सेतु सेलेक्ट करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। जिन्होंने भी सेतु पे एप्लीकेशन किया था तो वो अभी पोर्टल बंद है, वो उसका सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस यहाँ का प्रिंट निकाली गया। और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एक बार जाइएगा पढ़िएगा, तो सिंपल स्टेजेस में है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें।
और अगर किसी को कोई दिक्कत है इसके बारे में डीप नॉलेज मैं अगर बोलूँ तो मुझे भी नहीं है। मैं पहली बार ये रेफ़र कर रहा हूँ। जितना नॉलेज मुझे इंजीनियरिंग के बारे में है उतना मेडिकल के एडमिशन सिस्टम के बारे में नहीं है, तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितनी हो सके इतनी इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके हम दे सके एक दूसरे को, एक दूसरे की मदद कर सके तो अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा। अगर कोई मुझे स्क्रीनशॉट बीच के वाले जो पेमेंट के या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड के स्क्रीनशॉट कोई अगर शेयर करता है तो फिर से नया वीडियो बनाएंगे और उसमें और भी डिटेल हम उसके बारे में सोचेंगे, या फिर जो भी स्टेप अभी स्किप हुई है तो उसका पार्ट टू बनाकर हम डाल सकते हैं उसमें, जब कोई हो सके मदद हो सके किसी स्टूडेंट की अगर होती है तो। और चलिए, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, करिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, दबाइएगा वो घंटी वाला बटन ताकि आपको मेरे वीडियो का दर्शन होता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।